नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं फिल्म इधर, हर पल आपके साथ। कुमार दुबे के सिबलीपाड़ी स्थित उर्दू बिदारी फाउंडेशन में शिक्षा ग्रहण कर रहे 110 बच्चों के लिए आज फेडरल बैंक ने अपने CSR फंड से कालीन, अलमीरा और पार्टी सामग्री प्रदान की। निश्चित रूप से फेडरल बैंक का ये सराहनीय कदम रहा। ऐसे ही अन्य प्रतिष्ठानों को आगे आना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों में शिक्षा का प्रसार हो सके। नहीं है कि एक्चुअली बैंक का CSR इनिशिएटिव है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी इंडिया में कंपनी है काम कर रहे हैं, जैसे हम चिरकुना में ब्रांच खोले हैं, ब्रांच फायदा में चल रहा है, तो यहाँ से लोग पैसा रखते हैं, लोन लेते हैं, तभी हम फायदा करते हैं, तो उसका एक परसेंटेज हमको सोसाइटी में खर्चा करना है और वहाँ खर्चा करना है जहाँ उसका रिक्वायरमेंट है। जैसा मैं धनबाद बैठता हूँ, मैं जमशेद झारखंड में जितना ब्रांचेज सब देखता हूँ, ये प्रोग्राम हम रांची में भी किए हैं, जमशेदपुर में किए हैं, धनबाद में भी किए हैं, तो हम मैनेजर लोग को यही संदेश भेजते हैं कि आप देखो कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो बहुत लोग हैं कुछ करते नहीं है, जस्ट बोर्ड लगा देते हैं, ये कर देते हैं, निकाल जस्ट दिखा हुआ है, अपने मन से देते हैं। जहाँ कहीं भी हम लोग ने किए हैं उनको पूछे कि आपका क्या जरूरत है, बोलिए, क्योंकि हम कुछ चीज़ ऐसा देते जो आपका जरूरत नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो देने लेने का मजा नहीं है इसमें। तो जहाँ बाकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं भी देखता हूँ काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और उम्मीद है आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे से भी करते रहेंगे, और आप लोगों को शुक्रिया कि आप हमारे बैंक स्वीकार कर रहे हैं। थैंक यू। तरफ से किया जा रहा है हमारा हर 18 अक्टूबर को फेडरल केपी हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन उनके जन्मदिन पर हर साल ये मनाया जाता है और CSR एक्टिविटी किया जाता है, खासकर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन लोग के लिए जो कि एजुकेशन से हैं, उनका थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो उसके लिए। ये कार्यक्रम हर बार कुछ ना कुछ तरीके से रद्द हो रहा था, तो आज हम लोगों ने सोचा कि फाइनली किया जाए, और हम सभी को यहाँ धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने आज़ाद जी ने, सजाद जी ने और सभी लोग मिल करके यहाँ आयोजन किया है। हम पहले चाहेंगे कि यहाँ से जो जो उपस्थित है वो एक बार उनको संबोधित कर दिया जाए। हैं जी, उनके बच्चे वहाँ तक पहुँचे, बच्चे एटलीस्ट उनका एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रीलिमिनरी जो एजुकेशन है वो कम्प्लीट हो, मतलब उनका एटलीस्ट लिखना पढ़ना कुछ भी जो आदत है ये यहाँ। हम लोग एक बार और पहले भी आए थे, उसे समय मेरे को लगा कि नहीं यहाँ इनको कुछ करना चाहिए, उस समय बिल्कुल खाली खाली सा, अभी भी वैसे ही है, बच्चों का कोई रिसोर्सेज नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगा कि ये एक बार मैंने आज़ादी से पूछा कि यहाँ क्या जरूरत है, तो मैंने बोला कि और बता दीजिए कुछ। इन्होंने फैन ना करके इन्होंने खुद से रिकमेंड किया है कि कारपेट दिया जाए ताकि बच्चे लोग ऐसे ही ज़मीन पर बैठते हैं, सर्दी आ रही है, तो हमने इनके रिक्वेस्ट पे ये सब किया है ताकि इनका कुछ सहूलियत हो। जो भी है ये इसमें मैंने देखा कि 2-4 बच्चे जो थे 10-12 बच्चे काफ़ी तेज थे, उस दिन भी काफ़ी उनका जो IQ लेवल था बहुत था, अगर उनको एक तरह से सस्टेन किया जाए ये काफ़ी आगे जाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आए हैं। मैं ज्ञापन देता हूँ, इन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ सोचा और कुछ किया, धन्यवाद। पहले किसी टाइम में 16 मेंबर थे, 12 मेंबर हैं, हम लोग 100 रुपये महीना देते हैं, 100 रुपये महीना देते हैं, लेकिन अभी जो हम पेमेंट करते हैं मास्टर को वो 600-600 रुपये पेमेंट करते हैं, इनकम आता है 1200 और खर्च होता है 1800, अब तक हम लोग कर्ज में 23,000 रुपये चले गए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये हम लोग इस मसले को ज़रूर हल कर सकेंगे। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये उर्दू बिदारी फाउंडेशन के और सदर हैं हमारे मोहम्मद बाजार साहब और खजानची कांगड़ भाई, वो तारिक साहब हैं और फैयाज साहब, ये रफीक साहब, खुद हम और 6-7 आदमी हैं पीछे बैठे। हम लोग सोसाइटी से अलग कैसे नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी के साथ ही, क्योंकि हमेशा से ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि हम लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को किसी को भी अलग छोड़ कर नहीं कर सकते। तो मैं देख पा रहा हूँ सही में रिक्वायरमेंट है इन सभी चीज़ों की, तो हम लोग 150 रुपये को दे रहे हैं और सोसाइटी के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके लिए सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सत्या का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आज़ादी का भी, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस एक्टिविटी को करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और इनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, ताकि ये आगे चल के बहुत अच्छी तरक्की करें और जो भी इनका सपना हो आगे चल के करने का वो ये चीज़ बोलिए करें और जाने उसकी। थैंक यू।
थैंक यू। ठीक है सर, जैसे बोले कि ये हमने ये रहे हैं उनका सीएसआर है, तो उचित जगह में जरूरतमंद बच्चों और किसी भी होना चाहिए। तो ये जो जगह है हम लोग भी पहले भी आए हैं और हमेशा हम लोग का मन में रहता है, जितने भी ग्रुप के मेम्बर्स हैं एक्टिव है वो इस स्कूल के प्रति अलग हम लोग का इंटरेस्ट रहता है कि कभी करें। जैसे सर है, सर बोले कि हम आकर क्लास करेंगे, अच्छी बात है। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आगे आए इसके लिए, हम लोग हैं टाइम है। और यहाँ के जो शिक्षक सर हैं जो बिना कोई बात के बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, कितनी समय दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए अच्छे बच्चे अच्छे से आगे विकास करें, यही हमारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे फेडरल बैंक की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी केपी होर्मिस के जन्मदिन पर सीएसआर एक्टिविटी किया जा रहा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी किया जा रहा है। इसके तहत हमें हमारी जहां ब्रांच होती है उसके आसपास के हमें ऐसी जगह को चुनना होता है जहां की अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन हो, ताकि उनकी उनके विकास हो सके। इस कारण में जब हमने यहाँ छानबीन की तो पता चला यहाँ पर उर्दू बिदारी फाउंडेशन की तरफ से 110 बच्चों का शिक्षा दिया जा रहा है और उनको सपोर्ट दिया जाता है। इसी क्रम में हम लोग अपने सीएसआर एक्टिविटी की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ के बच्चों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम इनके लिए एक बड़ी दो बड़ी कारपेट दे रहे हैं ताकि ये ज़मीन पर ना बैठे। इनके लिए एक नोटबुक और सबक लिए पेन और एक बुक से लगता ही इनके जो बुक्स हो ये घर बार बार ना ले जाए, इनके जो यहाँ भी चीज़ें हैं यहाँ पर सुरक्षित रह सके, यही हमारी तरफ से एक्टिविटी है। इसी मौके पर हमारे धन्यवाद पूरे झारखंड के क्लस्टर है राजीव लोचन मोहंती, अभिषेक सिंह, संतोष और इधर मनोज मंडल गुरु गुरु के सदस्य आज़ाद जी और संजीव जी, बाकी हमारे सारे सदस्य हैं।